हरे हरे चूड़ियाँ। हेलो। हेलो। हाँ, एमन अली बात कर रहा हूँ। गुडीबाजी से नंबर लिया तुम्हारा। ठीक कैसे हो? हूँ। वो वकार के बारे में पता चला मुझे। अली, हो सके तो वकार को माफ कर देना तुम। तो क्यों शर्मिंदा कर रही हो? उन्हें माफ कर देना जी। क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं मैंने भी उन्हें दिल से माफ कर दिया। तुम्हें तो हमेशा ही उसे माफ किया। वो जिस सिचुएशन में है, तुमसे कोई गिला नहीं कर सकती उसका। अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर। आमीन। तो उनके लिए दुआ जरूर करके करोगे ना? अगर तुम्हारी खुशी उसकी जिंदगी में है तो अपनी जिंदगी देकर उसकी जिंदगी बचाने का हौसला भी रखो। तो ख्याल रखना। इश्क क्या है, पास होके भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाँव के दरमियान जीना। क्या बात है अली, इतना उदास क्यों है? एक बात बताएं, जब इंसान किसी से बहुत नफरत करता हो, बहुत नफरत, लेकिन फिर भी उसके लिए दुआ करना बहुत जरूरी है, तो क्या दुआ दिल से निकले? ये क्या बात हुई? दुआ तो हमेशा दिल से की जाती है ना? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दुआ सिर्फ जबान से निकले और दिल उसमें शामिल ना। देख बेटा, दुआ उसी के लिए की जाती है जिससे कोई ताल्लुक होता है, चाहे हमदर्दी का या इंसानियत का। इसलिए दुआ तो दिल से ही निकलेगी। क्यों, क्या हो गया? एमन कहती है कि वकार के लिए दुआ करो। तूने फिर उसे फोन किया? परेशान है इसलिए किया। उसकी परेशानियों की दवा हमारे पास नहीं है। दुआ तो है। दिमाग तो ठीक है अली, तेरे लिए वहां कौन से सुख की दुआएं कर रहा है कोई? बहुत खराब है तबीयत वकार की, हॉस्पिटल में परेशान है। क्या हुआ है उसे? ब्लड कैंसर। देखा देखा, अल्लाह जरूर हिसाब लेता है। हर फिरौन के लिए ना अल्लाह सजा जरूर रखता है, पर मुझे तो एमन की खुदगर्जी पे गुस्सा आ रहा है। तुझसे दुआ के लिए बोलती है? खुदगर्जी नहीं है ये तो उसकी छुपी हुई मोहब्बत है जिसका इजहार उसने तब नहीं किया। उसका यकीन है मुझ पर। ये कैसी मोहब्बत है कि अपने जालिम खामद के लिए तुझसे दुआ करने के लिए बोल रही है? क्योंकि उसको यकीन है इस बात का कि जो दुआ मेरे दिल से निकलेगी वो सच्ची होगी। कुछ नहीं होता, खुश रहा करो। हाँ भाई नजमा, बेटे के साथ मुज़ाकरात कैसे रहे? नजमा क्या बात है? वो एमन के साथ फिर रातों में,
आशा मामा उसे अपने पास रख के भी अमन से दूर नहीं रखता है। देखो नजमा, अभी उसे वक्त लगेगा और हमें ये वक्त उसे देना चाहिए। अपनी खुशियों से बेखबर वो ईमन की खुशियों की दुआ कर रहा है। आशन, वकार को कैंसर हो गया। हाँ? कैंसर हो गया? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। काश अल्लाह उसे सेहत दे। आपको भी ईमन ने दुआ करने के लिए कहा है। देखो नजमा, उस सबाहत भाई का इकलौता बेटा है, फसाहत भाई का इकलौता भतीजा है, यानी उस पूरे खानदान का इकलौता वारिस है। वो बहुत कीमती है उन सब के लिए। हमारा अली भी तो इकलौता बेटा है हमारा। उसके आंसू पूछने की तो कभी किसी को तौफीक नहीं हुई। उस घर से हमारे अली को हमेशा जिल्लत ही मिली है। एक मशवरा दूं नजमा बेगम, तुम एमन की खुशियों के लिए दुआ किया करो, इसी में तुम्हारे बेटे की खुशी हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि वकार को डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे। जाहिर है, मैंने सुना है वहां तो जरा सी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाता। समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ बकार की बीमारी, दूसरी तरफ हेमंत की उम्मीदें। वो पागल तो समझती है कि वो बच जाएगा। क्या पता उसकी उम्मीदों की इलाज रख ले। पता नहीं अल्लाह जी ने दोनों की किस्मत को क्या लिखा। हेमंत बकार को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। अगर मैं खुदगर्ज माँ बन के सोचूं तो दिल चाहता है कि जाके बाजू से पकड़ के उसे अस्पताल से घर ले आऊं। कि वकार ने जो रिश्ता बनाया ही नहीं था, एमन उसे क्यों निभाने चल पड़े। सुरैया, एमन का बाप बन के सोचता हूँ, ये बात मुनासिब लगती है तुम्हारी, लेकिन फिर वकार का सोचता हूँ, भाईजान का सोचता हूँ, तो ख्याल आता है कि अगर हम सहारा नहीं बनेंगे तो कौन सहारा बनेगा। औलाद के चेहरे पे अगर दुख नजर आए ना तो माँ बाप का दिल टूटने लगता है। बस भी नहीं है। अपने अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा कर, सब कुछ ठीक हो जाने। कराची जाना चाहते ना? अब तूने कराची बिल्कुल नहीं जाना है। एक बार वकार से मिलना चाहता हूँ। मेरा दिल कहता है कि शायद इस दफा मैं उसको अपनी बात समझा पाऊं। क्या समझाएगा उसे? नहीं कि एमन से मोहब्बत नहीं करता। तू तो एमन का नाम लेता है ना तो भी मोहब्बत तेरी आंखों से झलकती है। पापा, मैं वापस नथिया गली जाना चाहता हूँ। मैं इस तरह यहाँ पे बेबसी की हालत में पड़ा नहीं रहना चाहता। अभी तो नहीं बेटा, मैंने कनाडा एक दो डॉक्टर से बात की है। जैसे कोई उम्मीद की किरण नजर आती है मैं फौरन तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने एमन से वादा किया है। और वो नादान आपके वादे को मेरी जिंदगी की जमानत समझने लगी होगी। मुझे अफसोस है बेटा, तुमने उसकी कदर नहीं की। और खुशी इस बात की है कि वो तुम्हें छोड़ के गई नहीं। ठीक कह रहे हैं आप पापा, मैंने उसकी कदर नहीं की। दोबारा गर्म करके लाइए सूप।
अगर आप इन्होंने मना कर दिया ना तो आप बहुत डांटिएगा इन्हें। पी लो बेटा, वो दूसरी मर्तबा गर्म करके लाई। मैं जरा डॉक्टर से मिल के आया। मेरे हाथ अभी सलामत हैं। मुझे अपना इतना भी आदी ना बनाओ कि मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर ना जी पाऊं। इसका मतलब है कि तबीयत बहुत बेहतर है। चल खुद पी ले। रहने देना, मैं पिला देती हूँ, कुछ नहीं होता। तुम इतनी भलाई क्यों कर रही हो मेरे साथ? दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि इस आदमी ने मुझ पर कितने जुल्म किए और फिर भी मैं उसकी खिदमत कर रही हूँ। बिल्कुल दिखाना चाहती हूँ, दुनिया को ये तो दिखा रही हूँ। एक बीवी के लिए उसका हस्बैंड ही उसकी दुनिया होता है। मैं बहुत बदनसीब हूँ, तुम्हारे और अपने रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। फिर सूप ठंडा हो जाएगा, अब गर्म करके नहीं लाऊंगी, ठंडा ही पीना पड़ेगा। चले पिए, थोड़ा सा पी ले। बस काफी है। काफी अभी तो पिया ही नहीं, कौन पिएगा इतना सारा है। थोड़ा सा इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छांव के दरमियान जीना। भाई कराची सुरैया को फोन ही कर लेती तुम। नहीं भाई, मैं नहीं फोन कर रही उसे। क्या हो गया तुम्हें अजमा? वो लोग मुश्किल में हैं और ऐसे में अपनों के हमदर्दी के दो बोल भी बहुत मानी रखते हैं। अच्छा, नहीं मैं चल पता करता हूँ, बताता हूँ। ठीक ठीक, ओके ओके। पापा कोई कोरियर तो नहीं आया मेरा लेटर, कोई आया हो? वो कैसा कोरियर? वो एक्चुअली जॉब के लिए अप्लाई किया था, अच्छी कंपनी है, अच्छी नौकरी है, कराची से एक लेटर आना था, एड्रेस भी बिल्कुल ठीक है, आया नहीं। तो क्या उसके लिए कराची जाना पड़ेगा? कराची तो जाना पड़ेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लेटर क्यों नहीं आया। आया हुआ तुम्हारा एक खत, अंदर पड़ा हुआ है। कब आया? थोड़े दिन हो गए। आपको बताना चाहिए था ना मुझे। इसलिए कि हम नहीं चाहते कि तुम कराची जाओ। मामा come on, नौकरी है, करियर है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। देखो बेटा, नौकरी के लिए तो तुम पहले भी गए थे। आप दोनों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं कोई कांटेक्ट, कोई रابطہ नहीं रखूंगा यमन से। ना, हमें कोई एतबार नहीं है। मामा जब तक मेरा अपना रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैंने जैन से बात कर ली, मैं जैन की तरफ रहूंगा और यमन से कोई कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस, पक्का। लेकिन नजमा इसे जाने दो प्लीज। अब सारी उम्र हम एमन के खौफ से इसके मुस्तकबिल के दरवाजे तो बंद नहीं कर सकते ना। थैंक यू बाबा, आप समझाएं ना मामा को प्लीज। मामा मान जाए ना प्लीज। ठीक है, पर अब की बारी कोई शिकायत का मौका नहीं देना। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ठीक है? खुश भी मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन अस्पताल चल के वकार को देखा। आप चली जाइएगा अम्मा, मैं तो नहीं जाऊंगी। तुम क्यों नहीं जाओगी? मैं तो एमन की वजह से कह रही हूँ, वो क्या सोचेगी कि हम देखने भी नहीं आए। मुझे उस मगरूर आदमी से नहीं मिलना अम्मी। ऐसे नहीं कहते हैं बेटा, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है,
और वो तो ऐसी मुझी बीमारी में मुब्तला है कि सबको उसे माफ कर देना चाहिए, और बीमार की अयादत करना तो इबादत है। अम्मी, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि उस आदमी ने कैसे हमारी एमन के पाक दामन पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए थे और उस पर कितना जुल्म किया। जब एमन ने उसे माफ कर दिया, उसके माँ बाप ने उसे माफ कर दिया, तो तुम भी माफ कर दो। अम्मी, सही बात तो ये है कि वो शख्स एमन के लायक ही नहीं था। तुम अली की वजह से कह रही हो ना, तुम ये क्यों नहीं समझती कि अली और एमन का जोड़ कभी मुमकिन ही नहीं था। अम्मा, बात तो आपकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन शायद इस दुनिया में अगर एमन के लिए कोई सही जोड़ था तो वो सिर्फ और सिर्फ अली ही था। क्यों तुम्हें लगता है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि अली ने आज तक अपनी जिंदगी में किसी और को एमन की जगह नहीं दी। आपको क्या लगता है, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, क्या उसके माँ बाप के दिल में उसके लिए कोई अरमान नहीं होंगे? मगर नहीं, कोई मन की जगह किसी को दे ही नहीं सकता, बल्कि आज तक सिर्फ उसी की यादों में सुलगता रहता है। इंसान को जिंदगी में बहुत समझौते करने पड़ते, अपनी जात से बाहर निकलकर दूसरों के लिए समझौते करने पड़ते, और इसी को दूसरों के खातिर जीना कहते हैं। लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आएगी। अम्मी, मैं आपकी सब बातों को समझ रही। हाँ ठीक है, मैं समझौता नहीं कर सकी तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तुम गुजार रही हो और इस तन्हाई का दर्द मैं महसूस करती हूँ। अरे अम्मी, आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, और वैसे भी ना सिर्फ आपकी मेरे साथ तो पूरे मोहल्ले की दुआ। मैं सबके लिए हमेशा अच्छा करती हूँ, किसी की दिल आजारी नहीं करती, और मुझ जैसे लोग जिनके साथ इतने सारे लोगों की दुआएं चल रही हों, वो कभी तन्हा नहीं हो सकते। हाशिम, वो जाने की तैयारी कर रहा है। हाँ, जब जाना है तो फिर तैयारी तो करेगा। आपने उसे इजाजत दे दी ना तो मैं चुप हो गई, वरना मैंने इजाजत नहीं देनी थी। देखो नजमा, हमने उसका जॉब लेटर छुपाया, गलती की, अब हम उसे नहीं रोक सकते। नौकरी का तो कोई ना कोई अल्लाह सबब कर ही देता। आप बात तो करते अली से, कोई वजह थी जो नहीं होगा। कौन सी वजह? मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में फिर से वो रात आए कि जब हम सुबह को उठे तो पता चले वो हमें छोड़कर चला गया। जी जी, बिल्कुल ठीक हूँ। जैन आ गया था टाइम पे रिपोर्ट लेने, वो भी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों घर में क्या रखूंगा मामा, क्या हो गया? चलें, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओह थैंक यू यार। और सुना? मैं ठीक, तुम बताओ ठीक हो? फिट है, सब सेट चल रहा है? वो मामा पूछ रही थी तेरा। अच्छा, मैं भी उन्हें कॉल करूंगा और कहूंगा कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं नए फ्लैट की, तुम मेरे पास रह सकते हो। हाँ भाई, उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन होगी, उन्हें कोई बंदा चाहिए जो हर वक्त मेरी रिपोर्टिंग करता रहे। वो तो मैं दूंगा ये कोई पूछने वाली बात है? और वैसे भी यार, तुमने तो घर गांव बसाने की जिद ठान ली है। यार मुझे ना नफरत हो गई इन सारी बातों से, पर अगर तुमने ये बातें शुरू करनी है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा यार। नहीं नहीं, मैं अच्छा ना, गुस्सा क्यों होता है? मूड मत खराब किया कर, ना किया करना यार इस तरह की बात। अच्छा, मैं पहले बहुत इरिटेट हुआ हूँ। काशान, तुमने मुझे बताया नहीं कि एमन और उसके हस्बैंड के दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे हैं? आपको कैसे पता चला? माही ने खुद बताया मुझे।
काफी समझदार हो गए। तुमने सोचा होगा कि ससुराल की बातें माँ को क्यों बताऊं? ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा कि उसको बताना होगा तो वो खुद बता देगी। नौशी नाराज होकर गई है यहाँ से। मैं जानता हूँ, मैं लंच पे नहीं पहुंच सका। हमको लगा कि ससुरालियों की तीमारदारी के लिए वक्त है, उनके लिए वक्त नहीं है। हाँ, वैसे शादी के बाद इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारे रिश्तों में तवाज़न रखना। हाँ, कम से कम मुझसे तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। अल्लाह करे ऐसे ही। अपनी बेगम को भी समझा दें। उसको समझाने की जरूरत नहीं, उसको तो मुझसे ज्यादा इन सारी बातों को पता है। बड़ा भरोसा है इस पर, उसपे भी और उसकी मोहब्बत। जानती थी कि मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, फिर भी मान ली। तुम ही लेने गए थे ना उसे? मैं ना भी जाता तभी वो आ गया। जाहिर सी बात है, जब दूसरी बहन घर में आकर बैठी हो तो इंसान को अपनी गलतियों पे एहसास हो जाए। आना तो था मामा उसे, कोई अपने घर से दूर कितना रह सकता है। काशान, ये मेरा घर है। नहीं मामा, ये आपका घर नहीं है, ये हम सबका घर है। हाँ, मकान जरूर किसी एक का हो सकता, लेकिन घर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर घर किसी एक का हो गया तो फिर तो वैसे तो घर आ गया। मामा पता है आपको, असल खुशी दूसरों को कबूल करने और उनको उनका मकाम देने में होती है। माही ने तो सीख लिया ये बात। मेरी बात के यकीन करेंगे जिस दिन आपको इस पॉइंट की अहमियत का अंदाजा हो गया ना, आपकी सारी मुश्किल आ जाएगी। मैं पहले घर जाऊंगी और फिर वकार के लिए कुछ शॉपिंग करने जाऊंगी। यहाँ पर वकार के पास अबू और ताहर जान है। इमत, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने अम्मी को फोन करके ये कहा है कि वो ताहर जान से कहे कि वकार भाई को मेरे साथ वापस ले जाओ, और ये तुम कर क्या रही हो? कहाँ ले जाए उन्हें और क्यों ले जाए, कौन संभालेगा उन्हें? उन्होंने तुम्हें कितना संभाला, तुम्हें क्यों उनकी इतनी फिक्र हो रही है? माहीन, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, प्लीज याद मत करो। तुम कुछ नहीं भूल, उन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया ना, तुम कुछ भूल भी नहीं सकते। खुदा के लिए अपने आप को एक नई आजमाइश में मत डालो। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। Thank you.
ये आपका घर नहीं है, ये हम सबका घर है। हाँ, मकान जरूर किसी एक का हो सकता है लेकिन घर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर घर किसी एक का हो गया तो फिर तो वैसे तो घर आ गया। मामा पता है आपको असल खुशी दूसरों को कबूल करने और उनको उनका मुकाम देने में होती है। माही ने तो सीख लिया ये बात, मेरी बात का यकीन करेंगे जिस दिन आपको इस पॉइंट की अहमियत का अंदाजा हो गया ना, आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाए। आंटी, आंटी, आंटी आप ठीक तो हैं? आंटी क्या हुआ आपको? ठीक हूँ। बैठे जल्दी से घर आ जाए, आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके। आहिन क्यों तंग कर रही हो उसे? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आंटी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर मैं ना आती तो आप नीचे गिर जाती। आपकी तबीयत कब से खराब है? और अगर खराब थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं काशान को कहती हूँ डॉक्टर को घर बुला। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी शाम को डॉक्टर के पास। आपने अपने टेस्ट करवाए? हाँ जी, प्लीज आप अपने टेस्ट करवा लें। आज आप अपनी तबीयत के मामले में बहुत लापरवाह। करवा लूंगी शाम को। जी नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं काशान को बोलूंगी वो आपको साथ लेके जाए। ठीक है, मैं काशान के साथ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप आराम करें, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ, मैं बाहर तुम्हारी अम्मी के साथ बैठी थी तो बड़ा दिल करा के आके तुमसे बातें करूं। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो ऐमन, अल्लाह ताला वकार भाई की मुश्किलें आसान कर दे, बस यही दुआ है मेरी। तो तुम बाजार गई थी उनके लिए कुछ लेकर आई हो क्या? नहीं, कुछ नहीं गया। मन क्या बात है? अली कराची में क्या कर रहा है? कराची में? पता नहीं। झूठ बोल रही हैं आप मुझसे। मेरा नंबर आपने दिया है ना उसे, आप मुसलसल उसके साथ रहते हो, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। देखो मन, वो अक्सर मुझे फोन जरूर कर लेता था तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए, लेकिन मुझे यही पता था कि वो लाहौर चला गया। वो नहीं गया लाहौर, वो यहीं पर है, मैंने खुद देखा है उसे। तो हो सकता है कि वो किसी जरूरी काम से यहाँ आया हुआ, उसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। इमन, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ी हुई है, क्या करें यार, परहेज का कहा है बहुत सारा, और प्लीज दवाइयां टाइम पे दे देना इनको। आंटी ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ, अगर आप डॉक्टर के कहने पे लास्ट टाइम टेस्ट करवा लेती ना तो इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं आते। तुम लोग क्यों इतना परेशान हो गए? अरे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या शुगर हाई हो जाए तो इसे कुछ नहीं होता। हम आपको कुछ होने भी नहीं थे, बस आज से आप प्रॉपर परहेज करेंगी और दवाई भी ऑन टाइम होगी। जाहिर सी बात है, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं?
आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो या ना, लेकिन हमें आपकी जिंदगी से बहुत प्यार। और हाँ, एक और बात, आज से आप दिन भर मेरे कमरे में रहेंगी, क्योंकि आप जब अपने कमरे में जाती हैं तो नचाने क्या क्या सोचती हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चली जाती हैं, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसी बदकिरदार लड़की ना तो इज्जत डिजर्व करती है और ना ही मोहब्बत। वकार, मैंने कुछ भी नहीं किया। और क्या करोगी तुम? तुम्हें लगा कि मैं लेट हो रहा हूँ तो दो चार पल अपने हमदर्द के साथ क्यों ना गुजार लो? वो तुम्हें सिर्फ अय्याशी के लिए यूज करता है, दो चार पल तुम्हारे साथ गुजारता है, फिर मेरे पास छोड़ के चला जाता है। मैं बच्चा नहीं हूँ एमन। हिजर की रागनी वसल की है चांदनी, मैं रोई मेरी कहकशां, कौन जाने कहां किस गली के मोड़ पर है टूटी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां। हेलो मामा। नौशीन, बेटा कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिल बहुत घबरा रहा है, क्या तुम आ सकती हो? मामा अभी तो मैं फॉरेन शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ, और फिर शाम में मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी पे जाना है। और आपको क्या हुआ है? थोड़ी सी बात होती है तो आप दिल पे ले लेती हैं। दवा खाई आपने? देखा, नहीं खाई होगी, मुझे पता है, फौरन से दवा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं आ रही हूँ ना कल। बस मामा, रखती हूँ, ओके बाय। अच्छा मेरी बात, आंटी अगर मैं ना आती तो आप गिर जाते। आपकी तबीयत कब से खराब? और अगर खराब थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं आंटी, हम शाम के वक्त कितना बोर होते हैं ना घर पर। क्या मतलब? मैं सोच रही थी कि हम ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब ये कि हम पार्क जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इस तरह हम टाइम भी अच्छी तरह स्पेंड कर लेंगे और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत होशियार हो गई। हाँ, तुम ये चाहती थी मैं वॉक पे जाऊँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है। एक से दो होंगे तो अच्छा लगेगा। क्या हुआ, क्या देख रही है? अरे कल तुम नहीं होती तो मैं गिर जाती। आप सोचते बहुत। तुमने तो कल कहा था कि अगर तुम ना होती तो मैं गिर जाती। बेटा तो मुझे गिरना ही नहीं है, मैं गिरना नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लगता है गिरने से, बीमार होने से। आप कोई बीमार शुमार नहीं, जितने टेस्ट आपने करवाए ना, अगर इतने टेस्ट मैं करवाऊँ ना तो दो तीन बीमारियां तो मुझ में भी निकल आएंगी। ना ना करे बेटा। अच्छा ठीक है, तो फिर हम शाम को वॉक करने चलें, डन? अच्छा मैंने आपके लिए जूस बनाया, आप वो जूस पी। ये देखे, मैंने ये भी लिया शर्ट, अच्छी लग रही है ना, और वैसे भी ये कलर आप पे बहुत सूट करता है। और भी बहुत सारी चीजें ली हैं, ये देखे। लेकिन ये सब मैंने क्या करनी थी? क्यों, आपको पसंद नहीं आई? मुझे अब रंग अच्छे नहीं लगते। मुझे तो अच्छे लगते हैं ना, मैंने पहली दफा आपके लिए शॉपिंग किया, मैं तो दिल चाह रहा था कि जो जो मुझे पसंद आ रहा है ना, मैं वो सब कुछ ले लूं,
एमन। क्या हुआ वकार? इस तरह हिम्मत नहीं हारते। आप जानते हैं ना, इंसान तो बहुत बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ विल पावर से जीतता है। जिस तरह तुमने अपनी सच्चाई की जंग जीती है मेरी नफरतों को हरा। नहीं वकार, ऐसे मत कहा करें आप। ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे वाकई दिल से माफ कर दिया या फिर मुझ पे तरस खा रही हो? मैं आप पे तरस उस वक्त खाती थी जब आप बिना वजह चीखते थे, चलाते थे, खुद को अज़ियत देते थे और मुझे भी। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज प्लीज, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। हरी हरी चू